पंजाब केसरी पर इस वक्त की बड़ी खबर, टिकट न मिलने से खफा चल रहे पूर्व एमपी मोहिंदर सिंह केपी की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके घर पहुंचे, जहां केपी की तरफ से मुख्यमंत्री का भरपूर स्वागत किया गया। कैप्टन की जफ्फी ने महिंदर सिंह केपी की नाराजगी को दूर करते हुए उन्हें पार्टी के लिए काम करने के लिए मना लिया। उन्होंने केपी को अपना पुराना साथी और भाई बताते हुए कांग्रेस के एकजुट होने की बात कही। आया जलंधर, आज नॉमिनेशन हो रहे ने और वो मेरे पुराने दोस्त ने, तो मैं इन्होंने मिलने आया सी पहला, आने नॉमिनेशन से जाना है सी। हाँ जान के ना क्या कोई नाराजगी नहीं यार, असी सारी गल्लां असी कर चुके हैं, ये साढ़े वीर ने, वी हैव बीन टूगैदर फॉर बड़े साल, सम जब मैं चीफ मिनिस्टर सी पिछली बार ये साढ़े प्रधान रहे, तो साढ़ा तो बड़ा संपर्क है, बहुत पुराना संबंध है साढ़ा। वो गल एट नैशनल लैवल होंदिया ने, ये सीनियर बंदे ने, CWC के मैंबर रहे ने साढ़े, एंड ये गल फैसला करनगे साढ़े कांग्रेस प्रेसिडेंट। हालांकि मुलाकात से पहले ही केपी के तेवर बदले हुए नजर आए थे और उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के मिशन 13 को कामयाब किए जाने की बात कही थी। इधर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर ने भी ट्वीट करके केपी के मान जाने की बात कही। एक तरफ जहां दूसरी पार्टियां आपसी लड़ाई और फूट में बिजी हैं, वहीं पंजाब में कांग्रेस अपने मिशन 13 पर फोकस कर रही है और इसके अंतर्गत ही मुख्यमंत्री आज जालंधर में चौधरी संतोख सिंह के नामजदगी पत्र दाखिल करने से पहले मोहिंदर केपी के घर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों से जालंधर में कांग्रेस बीच हो रही अंदरूनी उलथ-पुलथ को कैप्टन की इस मुलाकात ने शांत कर दिया है और अब केपी के मान जाने से संतोख सिंह चौधरी की चिंता भी काफी हद तक खत्म हो गई है। जालंधर से सोनू महाजन, पंजाब केसरी TV।